அடுத்த அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ராஜினாமா செய்ய வேண்டும், மம்தா பானர்ஜி கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். மோடிக்கு தெலுங்கு தேசம் ஐக்கிய ஜனதாதளம் ஆதரவு கட்டாயம் தேவை என சொல்லியிருக்கும் மம்தா பானர்ஜி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். பாஜகவிற்கு பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை, ஆகவே பிரதமர் மோடி அதற்கு பொறுப்பேற்று ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று மம்தா பானர்ஜி கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். அதைத்தான் அண்மை செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். மக்களின் நம்பிக்கையை இழந்துவிட்ட மோடி ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று மம்தா பானர்ஜி கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். जो जागा में हम जीता उसमें हम जनता को कहेंगे दे आर द मैन ऑफ द मैच. हम आज का चुनाव में इलेक्शन कमीशन को जो रोल है हम कहने चाहूंगी कि ये बीजेपी का कमीशन का तरह काम किया. दे आर जस्ट लाइक ए हिज मास्टर वॉइस ऑफ बीजेपी. जो कंप्लेन किया वो काम किया. हम रिकाउंटिंग चाहते हैं तो नहीं देता है बीजेपी का. क्यों दिया रिपोल हमको क्यों नहीं देते हैं? इसका मतलब यही होता है वो चालाकी से मोदी का सीट आउट दस बड़ा बढ़ाने चाहते हैं. लेकिन प्लीज याद रखिए जो सच होता है वो सच आता है. मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है. इसी के लिए मैं तो चाहूंगी किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके आपको पहले रिजिग्नेशन करना चाहिए. इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर का बाद नूतन प्राइम मिनिस्टर होने से रिजाइन करना है. ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है. चीफ मिनिस्टर को भी करना पड़ता है नया गवर्नमेंट के लिए. लेकिन हम चाहते हैं मॉरल ग्राउंड से मोदी जी रिजाइन करें, होम मिनिस्टर रिजाइन करें और देश में जो गवर्नमेंट आने वाला है ज्यादा बेइज्जती करेगा तो एक गवर्नमेंट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. मोदी जी ने तो खुद बता दिया 4 जून का बाद कोई टॉपसी टर्वी होना वाला है. तो क्या युद्ध करेगा, क्या करेगा? अपना बात वो अपने दिल से निकाल गया, कभी कभी निकाल जाता है. इसी के लिए मैं जरूर कहेंगे ए जॉय ए विक्ट्री इंडिया का है, ए विक्ट्री हमारा देश का है, ए विक्ट्री हमारा माँ बहन का है, ए विक्ट्री हमारा किसान का है. इंडिया को जो सीट मिला है इतना जत्ती करने का बाद भी अगर मोदी पावर में नहीं रहता तो मोदी का इसको आधा सीट भी नहीं मिलता. तो इसी के लिए आज जो अभिनंदन हम देशभर देशवासियों को करते हैं, पूरा देशवासियों को, हम मंगल देशवासी का साथ हम चाहेंगे मोदी जाए देश रहे, ये हमारा कहने है. इसका बाद हम एक बात कहेंगे, आप जरूर एक क्वेश्चन मेरे को पूछिएंगे, इसका पहले मैं रिप्लाई देने चाहती हूँ. मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हॉट स्टेट जो रीजनल स्टेट है उसको जो रुपया सेंट्रल से मिलता है हमारा रुपया लेके जाता है उसको इमीडिएट वापस करें. हमारा जो काम बंद कर दिया वो काम वापस करें. ईडी सीबीआई आईटी को लेके और एजेंसी के लेके और जुडिशियरी को डरा के जो काम वो करते हैं इसको इमीडिएट बंद करें. अगर नहीं करेगा तो देश भर इतना मूवमेंट होगा कि हरियाणा में जैसे वो नाडू नहीं घुस सकता है वैसा पार्लियामेंट में भी नहीं घुस सकता है. जनता का राय सबसे बड़ा होता है. आई एम गिविंग सपोर्ट टू ऑल माई इंडिया फ्रेंड एंड द अदर ऑल्सो हु आर विलिंग टू ज्वाइन इंडिया टीम. आई विल वेलकम देम. खाली रुपया के लिए बीजेपी के पास मत जाओ, ईडी के लिए और सीबीआई के लिए आप खुद देश में एक इज्जत दे दो, देश का आदमी को जो आपको सम्मान दे. खाली ईडी का केस मिटाने के लिए, सीबीआई को केस मिटाने के लिए मेहरबानी करके बीजेपी को साथ मत दो. बीजेपी के जो साथ देगा वो देश में और देश का जो हम
बातों में नहीं कहने चाहती हूँ, हम यही बात कहने चाहती हूँ कि देश आपको क्षमा नहीं करेंगे, यही मेरे को कहना था। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। বাংলার মামাটি মানুষ সার্থক জনম আমার, জন্মেছি ওই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে। আর আপনারা যারা বিজেপির কথায় পোল রিভিউ করেছিলেন, তারা নিজেদের দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন, এই পোল রিভিউটা কে করে দিয়েছিল? আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, এটা বিজেপি অফিস থেকে করে দেওয়া হয়েছিল। আপনারা অনেকের মরাল ভেঙে দিয়েছিলেন, যাতে কাউন্টিংয়ে গিয়ে তারা ফাইট করতে না পারেন। সুতরাং মিডিয়া ক্যানট ডিনাই দেয়ার রেসপন্সিবিলিটি অলসো। ওয়ান ডে উইল কাম হোয়েন মমতা ব্যানার্জি செய்தியாளர்களிடம் தொண்டர்களிடம் பேசிய காட்சிகளைத்தான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தீர்கள். இந்தியா கூட்டணியை உடைக்க முடியாது என்று கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். பிற கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் இந்தியா கூட்டணிக்கு வருவதற்கு அழைப்பும் விடுத்திருக்கிறார். உடனடியாக இந்த தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று பெரும்பான்மை பெற முடியாது போனதால் இந்த தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று மோடியும் அமித்ஷாவும் பதவி விலக வேண்டும், ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையும் மம்தா பானர்ஜி விடுத்திருந்தார். அந்த காட்சிகளைத்தான் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்.